विस्थापन विरोधी एकता मंच ने आज उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से सीएनटी एक्ट लागू करने की मांग की। झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू होना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस एक्ट में संशोधन करने की योजना बना रही है। अगर सरकार का यह योजना सफल हुआ तो यह एक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, शहरी क्षेत्रों में नहीं। सीएनटी एक्ट के इसी मुद्दे को लेकर आज विस्थापन विरोधी एकता मंच ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से अविलंब सीएनटी एक्ट लागू करने की मांग की है। वैसे इन लोगों ने भूषण और जिंदल कंपनी का भी विरोध किया है। कहा है, ग्रामीण अब उन कंपनियों को जमीन नहीं देगी, प्रशासन जमीन वापस कर दे। विस्थापन विरोधी एकता मंच की ओर से आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को हम लोगों ने एक स्मारक पत्र सौंपे हैं। इस स्मारक पत्र में सीएनटी एक्ट के मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले दिनों जो विवाद उठा और इस विवाद को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने इस विवाद को एक ऐसी साधारण चिट्ठी दे के सीएनटी एक्ट को ठंडे वस्ते में डालने का प्रयास किया है। इस स्मारक पत्र में हम लोगों ने सीएनटी एक्ट 46(1)(b) को सख्ती से लागू करने के लिए हम लोगों ने कहे हैं और साथ में पूर्वी सिंहभूम में तत्काल जो रजिस्ट्री अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है उस रजिस्ट्री को भी बंद करने के लिए हमने कहे हैं। अगर रजिस्ट्री अगर बंद नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ जिंदल और भूषण तमाम जो कंपनियां हैं इन लोगों ने भी सैकड़ों एकड़ जमीन पिछले दिनों खरीदे हैं और वो जमीन ओबीसी के जमीन है, वो कोई महतो के हैं, हाँ, कोई प्रमाणिक के हैं, कोई गौड़ के हैं, ये ओबीसी हैं और ये इनका जमीन जो है सीएनटी के दायरे में आते हैं और हम लोगों ने कहे हैं कि ये सीएनटी के दायरे में आने वाले जो जातियां हैं और उनका कैसे बीसी का बिना अनुमति से जो खरीद बिक्री हुआ है और चूंकि और जिंदल और भूषण तमाम जो लोग जमीन खरीदे हैं उनका जो रजिस्ट्री हुआ है उनको खारिज कराना हमारा मुख्य मांग है।